क्या गूगल के फ्री प्लेटफॉर्म ब्लॉगर पे न्यूज ब्लॉग बनाना पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और आज यहाँ पे हम करके देखेंगे कि एक फ्री न्यूज ब्लॉग कैसे बनाते हैं जिसके लिए होस्टिंग खरीदने की जरूरत भी नहीं है। तो आज 90 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज के 75वें दिन में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड। सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे और सर्च करना है ब्लॉगर। ब्लॉगर एक फ्री प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल द्वारा ऑफर किया जाता है। इसकी शुरुआत 1999 में हुई है, तब से ये चला आ रहा है, जो कि पाइथन पे बना हुआ है। और यहाँ पे कोई भी फ्री ब्लॉग क्रिएट कर सकता है सब डोमेन के साथ, जिसके लिए एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वर्डप्रेस पे न्यूज ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप गाइड। बट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास अभी भी पैसा नहीं होगा कि लाइक वो होस्टिंग खरीद सके, 3000 रुपये भी नहीं होंगे, तो उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है ब्लॉगर पे फ्री बनाएं। और यहाँ पे सब डोमेन मिल जाता है जिसपे आप न्यूज ब्लॉग बना सकते हैं। और अगर आपको डोमेन बाय करना है तो मैं आपको बताऊंगा एक प्लेटफॉर्म जहां से आप गोडैडी से भी सस्ते में डोमेन बाय कर सकते हो, यानी आपके कम से कम पैसे में आपका न्यूज ब्लॉग बनके रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपल सा हम आ गए हैं blogger.com पे, और यहाँ पे जैसे ओपन करेंगे इस तरह का वो इंटरफेस दिखेगा जब पहली बार आप इस पे लॉग इन कर रहे हैं। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया है तो इंटरफेस दूसरी तरीके का होगा। यहाँ पे आपको लिखा पब्लिश योर पैशन योर वे, और यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग पे का ऑप्शन दिया होगा, यहाँ पे क्लिक करना है हमें। क्लिक करने के बाद ईमेल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम ईमेल चूज करते हैं, ईमेल सेलेक्ट करते हैं, इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस आ जाता है जहाँ पे हमें सबसे पहले अपने ब्लॉग का टाइटल देना होता है। तो यहाँ पे जैसे हम एक ब्लॉग का टाइटल दे देते हैं, वायरल हिंदी न्यूज करके हमने एक न्यूज ब्लॉग का टाइटल दे दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें एड्रेस, यानी का एड्रेस का मतलब आपके ब्लॉग का URL यहाँ पे सब डोमेन के साथ मिलता है, जो कि होता है आपके डोमेन का नाम .blogspot.com। हम यहाँ पे कस्टम डोमेन भी लगा सकते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा कैसे आप कस्टम डोमेन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं वायरल हिंदी न्यूज, ठीक है। हमने देखिए यहाँ पे इंटर किया ये एड्रेस, और ये एड्रेस अवेलेबल है तो हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले नेम यहाँ पर थे वायरल हिंदी न्यूज, हम इसको कर देंगे इसका नाम, और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। आपके जो न्यूज ब्लॉग का नाम रहे वो सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। देन ये हमारे होने के बाद हमारा एक सब डोमेन पे ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे सब डोमेन पे हमारा ब्लॉग क्रिएट हो गया, बट ये न्यूज ब्लॉग की तरह तो दिख नहीं रहा है। परेशान मत होइए, वीडियो पूरा देखना, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एकदम रेडी टू कर लेंगे आप न्यूज ब्लॉग की तरह ही। तो इसके लिए हम सिंपल सा जाते हैं फिर से अपने आ जाएंगे ब्लॉगिंग ब्लॉगर डैशबोर्ड पे। ब्लॉगर डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे देखिए सेटिंग पे जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखिए कस्टम डोमेन सेट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे कस्टम डोमेन सेट करना मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर अभी मैंने कस्टम डोमेन यहाँ पे सेट किया तो क्या होगा, ब्लॉग जो है वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि कस्टम डोमेन सेटअप होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो ओपन नहीं होगा तो मैं बाकी चीज़ें नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये वाला प्रोसेस लास्ट में बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस वाले डोमेन पे भी पूरा डिजाइन जो करेंगे अपने ब्लॉग को, वो ब्लॉग कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, वो जैसे ही आप कस्टम डोमेन ऐड करेंगे सेम जैसा है वैसा ही उस ब्लॉग और डोमेन पे ऐड होगा, तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखिए HTTPS का ऑप्शन मिलता है, सिंपल सा इसे अलाउ कर देना ताकि HTTPS में ब्लॉग खुले। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो ब्लॉग है HTTPS में खुला है। अब हम चलते हैं ब्लॉग पे, बाकी के दूसरे काम कर लेते हैं, बाद में हम जितने सेटिंग वाली चीज़ें होंगी उस पर डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो हम चलेंगे थीम ऑप्शन पे, सबसे ज़रूरी होता है थीम का ऑप्शन, ठीक है। तो हम सबसे लिए थीम लगाएंगे। अब थीम कहाँ से मिलेगा, यहाँ पे जितने भी थीम दिख रहे हैं ये उतने अच्छे थीम है नहीं, और यहाँ पे ये न्यूज़ ब्लॉग की तरह तो दिखते नहीं है। तो इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है एक ब्लॉगर के लिए जिसका नाम है गोयाबी टेम्पलेट्स करके है। यहाँ पे आपको ब्लॉगर के लिए बहुत सारे थीम बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, आप वहाँ पे उन्हें सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे पेड भी थीम है, ब्लॉगर के लिए सस्ते में थीम मिल जाते हैं $5-$10 में, तो उसको अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखेंगे ये बहुत सारे थीम आपको दिख रहे हैं, कोई भी न्यूज़ थीम अगर आप चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये थीम है तो यहाँ पे डेमो पे अगर मैं क्लिक करूँ तो देखेंगे इस तरह से ये थीम दिख रहा है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक थीम हमें मिला है जिसका नाम है टाइम मैक करके, इस थीम को हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पे और प्रीव्यू करके देख लेंगे कैसा ये दिख रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ये थीम इस तरह से कुछ दिख रहा है जो कि न्यूज़ की तरह ही लग रहा है, तो इसको यूज कर सकते हैं हम। अब इस थीम में दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे बाय, इस थीम को अगर चाहें पूरा कस्टमाइजेशन के साथ तो इसको बाय कर सकते हैं, मतलब इस थीम के सारे फीचर्स को, बहुत सारे अपडेट्स जो मिलेंगे इस थीम बाय करने के बाद ही मिलेंगे। तो यहाँ पे इस थीम का जो प्राइस है लाइक करीब $12 का है, तो जिसको खरीदना है वो खरीद सकता है, ये उनके ऊपर है। बट यहाँ पे अगर हम बात करें इसके फ्री वर्जन का, तो फ्री वर्जन में भी बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड पे मैं क्लिक करूँगा और डाउनलोड हो गया ये थीम, देखेंगे यहाँ पे जिप फाइल डाउनलोड हो गया है, ओपन करना है
और यहाँ पे ये जिप फाइल हमारा इस तरह का हो गया है। ठीक है, तो हम जाएंगे अपने ब्लॉगर में फिर से। ब्लॉगर में जाने के बाद यहाँ पे जो एरो छोटा सा दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपलोड ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो हमारा थीम हमने डाउनलोड किया है उसमें देखेंगे XML फाइल एक होगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए रिस्टोरिंग थीम लिखा हुआ है, तो ये रिस्टोर करने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो देखिए थीम रिस्टोर हो गया, और यहाँ पे हम इसको ओपन करके देखते हैं एक बार अपने ब्लॉग को, तो देखेंगे हमारे पे ब्लॉग पे एकदम थीम वाला नया वाला लग गया जो कि हमने अभी डाउनलोड किया है। तो इसको हम कस्टमाइज कर लेंगे। देखिए बहुत ही आसान है यहाँ पे करना, हमने कोई भी ऐसा नहीं पे किया, हमने बहुत आसानी के साथ थीम लगा लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे कस्टमाइज भी कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कुछ पेजेस ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हमें लाइक अबाउट अस पेजेस आपने सुना होगा, प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, ये सारे तो मैंने सारे क्रिएट किए हुए हैं, ये सारे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, न्यू पेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ सबसे पहले अबाउट अस का पेज। ठीक है, अबाउट अस का पेज हमने बनाया है, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करके इसको हम पब्लिश कर सकते हैं। ये पब्लिश हो गया है, और इसको हम अगर चाहें तो यहाँ से देख भी सकते हैं कैसा दिख रहा है। तो देखेंगे हमारा अबाउट अस का पेज ऐसे बन गया है, और देन हम आएंगे फिर से पेजेस में, न्यू पेजेस में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी को हम कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम प्राइवेसी पॉलिसी को पेस्ट कर लेते हैं, देन हम पब्लिश पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेंगे, कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐसे देखिए। कॉन्टैक्ट अस का पेज बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रिक है। ट्रिक क्या है, यहाँ पे आपको पहले सबसे पहले यहाँ पे HTML व्यू सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जाना है गूगल फॉर्म पे, गूगल फॉर्म आ गया, हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेंड ऑप्शन पे, और यहाँ पे लाइक कोड वाले आइकन पे क्लिक कर देना और एक कोड कॉपी कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाना अपने ब्लॉग पे फिर से, और यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे और देन पब्लिश कर देंगे। अब हम देख लेते हैं हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज कैसा दिख रहा है। देखेंगे यहाँ पे फॉर्म लग गया है, यहाँ से हमें कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो हमारे पेजेस बन के रेडी हो गए हैं। अब मैं एक ब्लॉग पोस्ट पब्लिश कर लेता हूँ, ताकि ये आइडिया लग गया ब्लॉग पोस्ट कैसे पब्लिश करते हैं, देन हम थीम को कस्टमाइज़ कर लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे आते हैं न्यू पोस्ट पे, न्यू पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे हम उसका टाइटल डालते हैं। तो मैं कोई भी एक रैंडम पोस्ट उठा लूँगा गूगल से ही, ये मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पे इमेज लगाने के लिए देखिए, यहाँ पे फीचर ईमेल लगाने के लिए कोई अलग से ऑप्शन नहीं मिलता, यहीं पर हम जो ईमेल लगाते हैं उसका पहला इमेज फीचर इमेज बन जाता है ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जैसे मैं ये इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ इसी न्यूज से, ठीक है, और यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जैसे हम गैप कर लेंगे थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ऐसे सटा रहेगा, तो इंटर मार देंगे, और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन होगा इंसर्ट इमेज। ठीक है, बाय URL कर सकते हैं, ब्लॉगर से कर सकते हैं, डायरेक्ट फोटो से उठा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम इमेज चूज कर लेंगे अपना, और देन इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा इमेज बन गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये इसलिए मैं इसको बता रहा था पोस्ट क्रिएट करने वाले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे जो हम लेबल बनाएंगे ना, वही हमारे मेनू के ऑप्शन बनेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे वर्ल्ड, ऐसे हम लेबल डाल सकते हैं कई सारे। अब यहाँ पे बात आती है नीचे, यहाँ पे देखेंगे परमालिंक आपको दिखेगा, तो परमालिंक जो भी इंग्लिश वर्ड होगा वही केवल परमालिंक में आएगा, हिंदी वर्ड नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कतर आया है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपको परमालिंक इंग्लिश में डालना है। और कई बार जब हम कस्टम परमालिंक सेट करते हैं ना, तब भी ऑटोमेटिक वो डिफॉल्ट वाला परमालिंक उठा लेता है। तो आपको पहले यहाँ पे इंग्लिश पेस्ट करना है, देन उसमें चेंजेस आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अगर चाहें तो आप कमेंट को अलाउ और डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप लोकेशन भी सेट कर सकते हैं कहाँ से पोस्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें सेट करने के बाद देन यहाँ पे पब्लिश पे हम क्लिक कर देते हैं, पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। आप देखेंगे हमारा पोस्ट कुछ इस तरह से हमारा पोस्ट यहाँ पे दिखने लगा। अब हम थोड़ा सा हमने पोस्ट करके भी देख लिया, बस यहीं पे होता है। अब बात आती है थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के बारे में, कि इसे कस्टमाइज कैसे करें। तो कस्टमाइज करने के लिए सिंपल सा, कस्टमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन में आना पड़ेगा। ठीक है, लेआउट वाले ऑप्शन में आने के बाद देखिए हमारे ब्लॉग का जो यहाँ पे फ्रंट एंड दिख रहा है, यहाँ पे इसका बैक एंड लेआउट दिखता है जिसको हम एडिट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हेडर का ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे, टॉप नेविगेशन ये वाला हिस्सा है। ठीक है, अब हम इसको चाहें डिसेबल कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे सो बिट्स पे इसे बंद कर देंगे और देन इस पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे ये बिट्स दिखना बंद हो जाएगा ऊपर का। अभी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखेंगे नेविगेशन दिखना बंद हो गया। यहाँ पे लिस्ट, सोशल मीडिया लिस्ट है जो कि चाहते हैं ना दिखे, तो वो भी हम हटा देंगे,
और यहाँ पे फिर से हम एक बार रिफ्रेश कर देंगे, आप देखेंगे पूरा ऊपर का जो है बार हट गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे लोगो वाले पे, हेडर वाले ऑप्शन पे। तो वायरल न्यूज यहाँ पे हम लोगो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे ये लोगो हमें चेंज करना है तो यहाँ पे अपलोड पे करेंगे, आ जाएंगे ब्लॉगर पे और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, लोगो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, तब जाके लोगो जो है दिखेगा। तो यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश कर लेंगे और देखेंगे अब हमारा लोगो यहाँ पे शो होने लगा। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे मेन्यू का लिंक है तो यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इस पर क्लिक करने के बाद देखिए टाइटल यहाँ पे लिंक लिस्ट चूज कर दिया, कोई वरी नहीं। इसका हम मेन मेनू कर सकते हैं, जैसे मेन मेनू चाहें तो आप मेन मेनू इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए जो पहला होम है, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसका काम ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फीचर वाला है तो इसको एडिट करके जैसे फीचर मेनू है, और बाकी ये सबको डिलीट कर देते हैं। जब भी हम मेन्यू बनाते हैं, लाइक यहाँ पे हमें लिंक देना है, तो लिंक हम ऐसे डायरेक्टली नहीं दे सकते जैसा वर्डप्रेस में दे देते हैं। यहाँ पे लिंक देने का एक तरीका है, हमें लिंक के बाद सर्च और लेबल लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया सर्च लेबल, यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग का लिंक कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लॉग का लिंक हो गया। ठीक है, अब लेबल और सर्च के बाद अब हम मेनू जो हमारा कैटेगरी रहेगा उसका नाम लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लिख देते हैं पॉलिटिक्स, यहाँ पे हमने कैटेगरी ऐड कर दिया पॉलिटिक्स, तो ये पॉलिटिक्स कैटेगरी हो गया। और आपको ध्यान रखना जब कैपिटल पी में आप लेबल ऐड करेंगे अपने ब्लॉग पोस्ट में तो जाके वो इस कैटेगरी में दिखेगा। इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं पॉलिटिक्स। ठीक है, और इसको हम सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे हम इसको एडिट कर लेते हैं, इसको हम दे देते हैं नाम इंटरटेनमेंट। ठीक है, और यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ पे इसको एडिट कर देंगे इंटरटेनमेंट। ठीक है, इसको हम सेव कर देंगे। देन हम इसको एडिट कर लेते हैं और इसका नाम दे देंगे वायरल, और यहाँ पे जाएंगे और इसका नाम दे देंगे वायरल, और इसको हम सेव कर देते हैं। तो इसी तरह हम टेम्पलेट्स मतलब अपना मेन्यू इसी तरह आप मेन्यू बना सकते हैं, जैसे ऐड न्यू आइटम करेंगे तो और मेन्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम जितना आप चाहेंगे उतना ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेव करके दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे सेविंग लिखा है, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, सेव हो गया। और देन हम यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे हमने जो तीन मेन्यू ऐड किए थे वो तीनों मेन्यू यहाँ पे ऐड हो गए हैं। यहाँ पे देखेंगे इसका यूआरएल ये बन रहा है और ये होगा इसका लेबल। ये इसमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे लेबल लगाया हुआ है। देखेंगे यहाँ पे हमने पॉलिटिक्स का लेबल लगाया हुआ है जो कि कैपिटल पी है, इसलिए ये पॉलिटिक्स में यहाँ पे दिख रहा है। ये एंटरटेनमेंट में भी दिखेगा क्योंकि हमने एंटरटेनमेंट का भी इसमें लेबल लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमारा मेन्यू बन जाता है। उसके बाद ये मेन ब्लॉग पोस्ट का एरिया है, यानी जो ये वाला एरिया होता है जहाँ पे ब्लॉग दिखता है, कंटेंट ओपन होता है, तो इसको एडिट करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल आप इसमें कोई भी एडिट करने का, बट अगर आप चाहें तो इसमें एडिट कर सकते हैं, जैसे टैग दिखाना है कि नहीं दिखाना है, लिंक किस तरह का होगा, लाइक कमेंट कितने शो होंगे, पर पेज पे कितना पोस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आप दिखाना चाहें इस पर कस्टमाइज कर सकते हैं। देन आ जाता है सोशल मीडिया का, यहाँ पे देखेंगे सोशल प्लगइन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सोशल प्लगइन पे एडिट करके आप अपने जो है सोशल मीडिया का अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे उसका लिंक देके, ताकि यहाँ पे आपका लिंक लग जाए। अगर आप नहीं चाहते हैं तो देन आप इसको ऑफ कर दीजिए या फिर नीचे सोशल मीडिया से उनको डिलीट कर दीजिए, तो ये नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से लेना चाहते हैं। जैसे हम इसको ऑफ करके सेव कर देते हैं तो यहाँ पे अब हमें सोशल मीडिया का आइकन नहीं दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सोशल मीडिया का गायब हो गया। इसी तरह हम सब्सक्राइबर वाले को भी ऑफ कर देते हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइबर का भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, मोस्ट पॉपुलर रहने देते हैं, फेसबुक को ऑफ कर देते हैं, कैटेगरीज को रहने देते हैं, टैग को रहने देते हैं, सर्च ब्लॉक को ना सबसे ऊपर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एट्रीब्यूट यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिपोर्ट अब्यूज इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, ब्लॉग आर्काइव इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अबाउट मी इसको हम रिमूव कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे अबाउट का सेक्शन है, अबाउट लोगो और चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे है तो इसको हम हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, इसको हम ऑफ कर देंगे। और इसी तरह इसमें सोशल मीडिया फुटर में दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, वरना अगर आपके पास नहीं है तो ऑफ कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नीचे तो सोशल मीडिया दिखाएंगे ही। देन आ जाता है फुटर का सेक्शन। ठीक है, देन आ जाता है मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फीचर्स। ठीक है, ये सारे पोस्ट तो उसका अटेंशन नहीं है, वो सब दिखने चाहिए। और उसके बाद आ जाता है मेन फुटर का नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे फुटर पे देखेंगे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और होम लगा हुआ है, तो यहाँ पे एक और ऐड आइटम कर लेते हैं प्राइवेसी पॉलिसी, इसका नाम दे देंगे प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, और हमने जो पेज बनाया हुआ है ऑलरेडी
हम ब्लॉगर पे जाते हैं, यहाँ पे पेज पे जाएंगे, प्राइवेसी पॉलिसी हमने बनाया हुआ है तो इसको हम कॉपी कर लेंगे इसका यूआरएल, और इसका यूआरएल आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, देन सेव कर देंगे और ये पूरा सेव कर देंगे, ठीक है। इसके बाद पूरा सेव करने के बाद एक बार यहाँ से सेव कर देंगे और देन आके यहाँ पे हम यहाँ से हम देख सकते हैं। तो देखेंगे हमने हमारा ब्लॉग कस्टमाइज़ कर लिया, हमने फुटर में अपने चारों लाइकन लगा दिए हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन नहीं हटेगा क्योंकि ये फ्री थे हमें, पेड लेंगे तो हटेगा, इसको हटा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं उतना टेक्निकल नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है न्यूज़ ब्लॉग का बन गया। जब इसमें कंटेंट पब्लिश करते जाएंगे तो ये डिज़ाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्म होता रहेगा, बनता रहेगा। अब इसमें थोड़ी सी सेटिंग की बात आती है, इसको सेटअप कैसे करते हैं। देखिए अगर बात करें कि लाइक न्यूज़ कंटेंट कैसे फाइंड करना है तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो है न्यूज़ ब्लॉग आर्टिकल कैसे लिखते हैं उसको, और इसमें नोटिफिकेशन बेल आइकन कैसे लगाते हैं ये भी मैंने बताया, तो उसको भी चेकआउट कर सकते हैं, तो उसको मैं बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद सेटिंग में जाएंगे, ब्लॉग का लैंग्वेज जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, एडल्ट कंटेंट नहीं है तो इसको ऑफ़ कर दीजिए क्योंकि एडल्ट कंटेंट होता है तो एडल्ट कंटेंट वार्निंग देगा। देन यहाँ पे फेब आइकन का ऑप्शन आएगा, फेब आइकन क्या होता है देखेंगे, अभी हमारे ब्लॉग में ना इस तरह के ब्लॉगर का फेब आइकन दिख रहा है। फेब आइकन लगाने के लिए सिंपल से हम क्लिक करेंगे इस पर, क्लिक करने के बाद हम इमेज चूज कर लेंगे, मैं कोई भी इमेज रैंडम सा भी चूज कर लेता हूँ, जो भी इमेज है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सेव कर देना है, सेव करने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर में रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो आइकन दिखता है ऊपर ये चेंज हो जाएगा और यहाँ पे हमारा फेब आइकन लग गया। देन मेजरमेंट आईडी में यहाँ पे क्लिक करेंगे, गूगल एनालिटिक्स पे जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स फ्री टूल है जहाँ से आप लाइक ट्रैफिक ट्रैक कर सकते हैं, कितना ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर आ रहा है, ऑलरेडी ब्लॉग पर बताता है बट वो एक्यूरेट उतना नहीं होता है, उसके लिए गूगल एनालिटिक्स ही जरूरी है। तो गूगल एनालिटिक्स पर हम जाते हैं, यहाँ पे इस तरह से इसका मेजरमेंट आईडी होता है गूगल एनालिटिक्स का, ये आईडी कॉपी कर लेंगे सारे वेबसाइट को ऐड करने के बाद और यहाँ पे आईडी यहाँ पे पब्लिश कर देंगे ऐसे सेव करके, तो ये हमारा यहाँ पे शो होने लगेगा आईडी और यहाँ पे हमें ट्रैफिक का रिपोर्ट अपने एनालिटिक्स में दिखने लगेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं विजिबल फॉर सर्च इंजन, यस। और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉग एड्रेस, ब्लॉग का कस्टम हम बताएंगे कैसे सेटअप करना है, लाइक ब्लॉग कस्टम डोमेन पे कैसे सेटअप करना है ये मैं बताऊँगा। HTTPS ऑन है, ठीक है। और भी ऑथर जोड़ना चाहते हैं लाइक जैसे आप न्यूज़ ब्लॉग में देखेंगे कई सारे ऑथर रहते हैं तो यहाँ पे आप उनको इनवाइट सेंड कर सकते हैं और इनवाइट सेंड करने के बाद उनको रोल भी एक्सेस कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट कितना होना चाहिए मेन पेज पे, 7, यहाँ पे उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं 8 करता हूँ तो 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेजी लोड इमेज ऑन कर देंगे, वेब पी इमेजिंग सर्विंग ये ऑन कर देंगे, जैसे हर एक इमेज जो भी अपलोड होगा वो वेब पी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। कमेंट लोकेशन इम्बेड कर देंगे और यहाँ पे और देखेंगे ईमेल से रिलेटेड सेटिंग है, फॉर्मेटिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जोन है तो यहाँ पे इंडिया है टाइम जोन तो हम इंडिया टाइम जोन सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 5:30, यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड कोलकाता तो यहाँ पे वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। और सर्च इंजन के लिए मेटा टैग्स हम ऐड कर सकते हैं, मेटा सर्च डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो भी चाहे यहाँ पे पूरा ऐड कर सकते हैं सर्च डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे कस्टम अगर 404 पेज बना रहे हैं तो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कुछ रिडायरेक्ट करना है यहाँ से कर सकते हैं, रोबोट्स टैग इनेबल कर सकते हैं अगर आप चाहें, अगर नहीं आपको आइडिया है ज़्यादा तो इसको ऐसे बंद ही रहने दें। लाइक मोनेटाइजेशन ad.txt यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ पे सिंपल सा ad.txt जो गूगल एडसेंस का कोड होता है पेस्ट कर देंगे, तो इस तरीके से आपका ये सेटिंग हो जाता है। सेटिंग होने के बाद अब बात आती है डोमेन लगाने की, ठीक है। इस पर डोमेन कैसे ऐड करें, तो डोमेन ऐड करने के लिए सपोज यहाँ पे हमारा कस्टम डोमेन का ऑप्शन है, तो डोमेन कहाँ से खरीदें मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। डोमेन क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे दो डोमेन प्रोवाइडर का नाम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं GoDaddy ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डोमेन के बारे में सर्च करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं सेम डोमेन के बारे में सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा न्यूज हिंदी .com $10 में मिल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे मेरा न्यूज हिंदी .com आपको दिख रहा है कि ये 99 रुपये में मिलेगा, बट ये जब आप फाइनल स्टेज पर जाएंगे तो इसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ऐड टू कार्ट हमने किया और कंटिन्यू हम करते हैं तो जब फाइनल में जाएगा लास्ट में, GoDaddy में कई बार ऐसा होता है स्टार्टिंग में आपको कम प्राइस दिखाता है बट लास्ट में प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, लाइक 1000 से कम तो होता ही नहीं है कभी। अब यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पे फाइनल पे आ गए हैं, एक बार हम इसको करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको अब देखेंगे इसका प्राइस कितना हो गया 949 रुपये जो कि 99 रुपये केवल दिखा रहा था, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं
इसका प्राइस हमने डोमेन प्रोटेक्शन भी बंद कर दिया, डोमेन प्रोटेक्शन भी यहाँ पे फ्री नहीं मिलता। यहाँ पे आपको $10 का $10 ही मिलेगा, $10 से ज़्यादा उसका प्राइस नहीं होगा, और यहाँ पे आपको फ्री डोमेन प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। तो ये बेनिफिट आपके लिए है। तो नेमचीप में ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, इसका प्राइस नहीं बढ़ता, देखेंगे इसका प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ा। यहाँ पे डोमेन प्राइवेसी फॉर एवर फ्री मिल जाती है आपको, तो यहाँ से बाय कर सकते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ से आप नेमचीप का यूज करके डोमेन खरीद सकते हैं। अब बात आती है गोडैडी का, तो मैंने डोमेन सेटअप का, तो डोमेन सेटअप करने के लिए यहाँ पे सेटिंग में जाना है। सेटिंग में सबसे पहले हम अपने कस्टम डोमेन का नाम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं, मेरे पास एक डोमेन पड़ा हुआ है, मैं उसको ही ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे माई, यहाँ पे www लगाना बहुत जरूरी होता है इसमें, और इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे नीचे ना रेड में बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यू हैव नॉट बीन एबल टू वेरीफाई योर डोमेन इज रजिस्टर्ड वेबसाइट लोकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, DNS में जाना है, ठीक है, और सी नेम क्रिएट करना है, टू सी नेम, ठीक है, www और डिस्टिनेशन आपका रहेगा ये, ठीक है। तो हम आ जाएंगे अब जहाँ से हमने डोमेन लिया है वहाँ पे, डोमेन ऑप्शन पे जाने के बाद DNS में जाना होता है, और देन यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे हम सी नेम सेलेक्ट करेंगे, सी नेम में जो उसने इंस्ट्रक्शन दिया वो सेलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे www और डिस्टिनेशन ये, तो यहाँ पे www और डिस्टिनेशन हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, और देन यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एक हमने अपडेट कर दिया। अब इसी तरह दूसरा भी सी नेम क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और फिर से वहाँ से हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लाइक नेम ये है, इसको इसमें पेस्ट कर देंगे, और देन यहाँ पे सेव कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा डोमेन ऐड हो गया है, यहाँ पे रिडायरेक्ट टू ये कर देंगे, और यहाँ पे https ऑन कर देंगे, ठीक है, इस डोमेन के लिए। ये चीज़ ध्यान देना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे इसको, तो देखेंगे अभी थोड़ा देर समय के लिए ओपन नहीं होगा, इसलिए मैं स्टार्टिंग में इसको नहीं बता रहा था। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये फिर ओपन होने लगेगा इस .com वाले .in वाले डोमेन पे। तो इस तरह से आप अपना डोमेन भी ऐड कर सकते हैं इसमें बहुत आसानी के साथ। अब बचता है सर्च कंसोल, ठीक है, गूगल सर्च कंसोल। आपको सिंपल सा गूगल सर्च कंसोल सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे जीमेल से लॉगिन है तो डायरेक्टली अकाउंट क्रिएट हो जाता है, अलग से अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे हम अपने ब्लॉग को ओपन करेंगे। अभी हमारा ब्लॉग तो वैसे ओपन हो नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऑटो वेरीफाई हो जाता है। ये ब्लॉगर का बेनिफिट ये है कि अगर आपका ब्लॉगर पे है तो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा, आपको कुछ अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है ब्लॉगर पे बनाने का। तो इस तरीके से हम ब्लॉगर पे अपना फ्री न्यूज ब्लॉग बना सकते हैं। बट इसके बारे में कुछ चीज़ें और है जो कि जानना ज़रूरी है आप सभी के लिए। तो वो चीज़ें क्या है, सबसे बड़ी बात इसकी प्रोस ऑन कॉन्स की, कि न्यूज़ ब्लॉग अगर हम ब्लॉगर पे बनाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे जो होस्टिंग मिलता है अनलिमिटेड मिलता है, यहाँ पे कितना भी ट्रैफिक आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो होस्टिंग फ्री में मिल जाता है। जो कि मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा पैसा उसी में खर्च होता है जब आप न्यूज़ ब्लॉग बनाते हैं, ट्रैफिक आता है तो आपको होस्टिंग अपग्रेड करना पड़ता है, चाहे आपकी अर्निंग हो या ना हो। और दूसरा जो बड़ा बेनिफिट है इसमें, आप यहाँ पे फ्री में बना सकते हैं, आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। और तीसरा बात करें तो यहाँ पे भी मोनेटाइजेशन का ऑप्शन है, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए टेंशन नहीं है। बट जो सबसे बड़ा इसका जो कॉन्स है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते, यानी आप हर चीज़ को कस्टमाइज करके अपने तरीके से नहीं बना सकते हैं। बट बहुत सारे लोग कोडिंग जानते हैं तो थोड़ा बहुत तो कर लेते हैं, जिनको कोडिंग का नॉलेज है वो कर लेंगे, बट जिनको नहीं है टेक्निकल नॉलेज वो नहीं कर पाएंगे उतना ज़्यादा कस्टमाइजेशन। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम न्यूज़ ब्लॉग बना नहीं सकते दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैंने पूरा बना के दिखाया है, इस तरीके से आप भी पूरा बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बस रिक्वायर्ड होगी एक डोमेन की, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऑलरेडी मैंने कंपैरिजन करके दिखाया है कि कहाँ पे सस्ता मिलता है, तो उसको आप खरीद सकते हैं बिल्कुल। होप आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, जय हिंद।